आदमी का सपना टूट जाता है ना तो आदमी ही खत्म हो जाता है। मार्च 2020 में आई फिल्म अंग्रेजी मीडियम का ये डायलॉग मिडिल क्लास के सपनों को पंख देता आया है। ये फिल्म एक ऐसे कलाकार की आखिरी फिल्म थी जिसने अपनी फिल्मों में अपने हर किरदार को जिया है। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर्स में शुमार दिवंगत एक्टर इरफान खान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में और डायलॉग्स हमेशा उन्हें फैंस के दिलों में जिंदा रखते हैं। इरफान खान की आंखें बोलती थी, लेकिन जब इरफान अपने ही स्टाइल में डायलॉग्स मारते थे तो सच कहूं वो दिल जीत लेते थे। इरफान खान बिल्कुल ही अलग थे। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को जयपुर के एक मुस्लिम के छोटे से पठान परिवार में हुआ। इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। उनके पिता टायर का व्यापार करते थे। इरफान खान की शुरुआती जीवन भले ही संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन हिंदी सिनेमा में जो उन्होंने अपनी अदायगी का कमाल दिखाया है उसे फैंस के लिए भूलना बहुत मुश्किल है। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि इरफान ने सिनेमा का रास्ता काफी बाद में चुना। उनकी सबसे पहली मोहब्बत क्रिकेट थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इरफान खान को सबसे पहले क्रिकेट बेहद पसंद था, लेकिन अफसोस की वो मोहब्बत अधूरी रह गई। इरफान को क्रिकेट का बेहद शौक था। वो क्रिकेट की दुनिया में ऑलराउंडर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जयपुर की टीम में वो सबसे युवा खिलाड़ी थे। इसी की बदौलत युवा अवस्था में उनको BCCI के एक घरेलू टूर्नामेंट में CK नायडू ट्रॉफी के लिए भी चुन लिया गया था, लेकिन केवल 600 रुपए ना होने के कारण वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाए थे। दरअसल इरफान खान को एक शहर से दूसरे शहर इस क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए जाना था, लेकिन उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे शहर जा सके। एक इंटरव्यू के दौरान इरफान खान ने खुद बताया था कि वो 600 रुपए के लिए, केवल 600 रुपए के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाए। उन्होंने कहा था, किसी से नहीं पूछ सकता था, क्योंकि जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD के लिए 300 रुपए की भी उन्हें जरूरत पड़ी थी, उसे जुटाने के लिए बहुत मुश्किल करनी पड़ी। आखिरकार उनकी बहन ने उनके लिए पैसे जुटाए थे, इसी वजह से उन्हें क्रिकेट को अलविदा कहना पड़ा और फिर उनकी जिंदगी में एक नया सफर शुरू हो जाता है। इरफान खान जयपुर के पास स्थित टोंका जिले में रहने वाले हैं। MA पूरा करने के बाद उन्होंने साल 1984 में एक्टर बनने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली में एडमिशन लिया था। इरफान एक्टिंग करियर बनाने मुंबई पहुंचे, जहां उन्हें कई सारे टेलीविजन शोज में काम करने का मौका मिला। TV में करियर बनाने के दौरान मीरा नायर ने उन्हें सलाम बॉम्बे में एक कैमियो रोल ऑफर किया था, मगर फिल्म से उनके सभी सीन काट दिए गए थे, जिसके बाद इरफान ने साल 1990 में पंकज कपूर और शबाना आजमी स्टारर फिल्म एक डॉक्टर की मौत से अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में इरफान ने एक बेबाक रिपोर्टर की भूमिका निभाई। फिल्म के साथ इरफान खान भी अनदेखे ही रह गए, लेकिन उसके बाद से ही उनके किरदार ने लोगों के दिलों और दिमाग में ऐसी जगह बनाई कि आज तक लोग इरफान खान को भूल नहीं पाए हैं। देखा जाए तो इरफान खान वो एक्टर है जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। एक्टिंग करियर के दौरान कई सारी फ्लॉप फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद इरफान को नेगेटिव किरदार मिलने लगा। साल 2004 में आई फिल्म हासिल के लिए उन्हें, आपको बता दें कि फिल्म फेयर बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिल चुका है, जिसके बाद साल 2007 में आई फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो में उनके करियर को ब्रेक मिला और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी बड़ी पहचान बना ली। इरफान खान ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई। पर्सनल लाइफ की बात करें तो इरफान खान ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में साथ पढ़ने वाली सुतापा सिकदर से 1995 में शादी कर ली थी। दोनों के दो बच्चे बबिल और आयान हैं। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि इरफान खान को पहले कैंसर हुआ था और जब वो कैंसर से ठीक होकर
घर लौटे तो 29 अप्रैल 2020 को कॉर्नल इन्फेक्शन से उनकी मौत हो गई। इरफान खान का जाना पूरे इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों के लिए आज भी बहुत बड़ी बात है। किसी ने सच ही कहा है कि इरफान खान के बारे में बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उनका संघर्ष किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। वो बॉलीवुड के अब तक के सबसे बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्लैमर और चकाचौंध भरी इंडस्ट्री में इरफान अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेते थे। अपनी आंखों से एक्टिंग करने वाले इरफान ने खुद को एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के तौर पर भी स्थापित किया। हालांकि कई लोग एक्टर बनने और बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाने का सपना देखते हैं, लेकिन इरफान के साथ ऐसा नहीं था। शायद इसलिए कहा जाता है कि यूं ही हर कोई इरफान खान नहीं बन जाता। वो जिस भी करेक्टर का किरदार निभाते थे उसमें जान फूंक देते थे। खैर, आज इरफान खान का जन्मदिन था तो हमें लगा क्यों ना आज उनके कुछ अनसुने किस्से आप सभी को बताएं। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद आई हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़बुक के साथ।